हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गया हूँ जिसका टॉपिक है आपके घर में ख़राब पड़े एलईडी बल्बों को आप कैसे एक सोल्डर की सहायता से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम किसी जो काम करें उसमें अटके नहीं। जैसे आप के घर में गारंटी के लिए एलईडी बल्ब घर में लाते हैं दोस्तों, लेकिन उसकी गारंटी पूरी हो जाती है, उसके बाद हम उसको फेंकते रखें और दूसरे एलईडी बल्बों को लाते हैं दोस्तों, ये आपका खर्चा बच सकता है। दोस्तों, मैं आपको इसी वीडियो में एकमात्र सोल्डर की सहायता से बल्बों को रिपेयर करना बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक होल्डर है और ये दोस्तों सिमटी है। सिमटी को मैंने टेप की सहायता से कवर कर दिया है दोस्तों, ताकि हम बल्ब को चेक करें तो हमको करंट ना आए। दोस्तों, आपको दोस्तों मैंने होल्डर है दोस्तों आपको सीरीज़ में लगाना है। दोस्तों, जैसे ही मैं दो सिरों को देखिए सिमटी की सहायता टच करता हूँ, ये बल्ब हमारा लो हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों हमारे ये होल्डर सीरीज़ में लगा है। दोस्तों, हमेशा सीरीज़ में लगा कर काम करें दोस्तों, पता चले कि दोस्तों हमारे एलईडी बल्ब फॉल्ट हो तो दोस्तों आपको भी नुकसान पहुँच सकता है। तो हमेशा दोस्तों सीरीज़ में ही काम करें दोस्तों। तो मैं सबसे पहले ये बल्ब ले लेता हूँ और आपको बताता हूँ दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं जल्दी से ये बल्ब को लेकर दोस्तों होल्ड में डाल देता हूँ दोस्तों, और देखते हैं कि दोस्तों हमारा बल्ब ग्लो होता है कि नहीं होता है। तो मैं जल्दी से दोस्तों इसको होल्डर में डाल देता हूँ। तो मैं होल्डर में दोस्तों डाल रहा हूँ और इसको स्विच ऑन करूँगा दोस्तों, और आप देख सकते हैं मैंने इस बल्ब को होल्डर में डाल दिया दोस्तों। दोस्तों इसकी गारंटी पूरी हो गई थी, कस्टमर ने मुझे बोला कि इसको रिपेयर हो जाएगा, तो मैंने बोला हाँ ज़रूर रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों, आप भी ऐसे बल्बों को रिपेयर घर पड़ोसी अगर आप घर बैठे इसकी पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जिस भी इसको सप्लाई दिया तो ये ऑन नहीं हो रहा, तो मैंने इसको खोला है दोस्तों। तो आप सबसे पहले जो अंदर की हमारी पीसीबी से जो सप्लाई आई है दोस्तों, उसको मल्टीमीटर की सहायता से चेक करना है। दोस्तों, आपको ध्यान रहेगा अंदर की सप्लाई पूरी दोस्तों बाहर आनी चाहिए। तो मैं जल्दी से वो भी देखिए मैं सीरीज़ में लगा कर ऑन करूँगा दोस्तों, फिर मल्टीमीटर की सहायता से मैं चेक करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने बल्ब को सीरीज़ में लगा दिया और आप देख सकते हैं मेरे पास ये मल्टीमीटर है। दोस्तों, अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है तो आप दोस्तों मुझे कमेंट करें तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लस माइनस के दोस्तों ये मल्टीमीटर के दो वायर हैं। अभी मैं मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज में कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैं मल्टीमीटर अभी हमारा ऑफ है, तो जल्दी से इसको मैं एसी 200 वोल्टेज में कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने 200 वोल्टेज में कर दिया है, और जल्दी से मैं आपको अभी इसकी सप्लाई भी चेक करके बता देता हूँ कि इसमें कितना आउटपुट वोल्टेज आ रहा है दोस्तों। तो मैं रेड वाले को रेड से और ब्लैक वाले को माइनस से दोस्तों टेस्ट कर देता। आप देख सकते हैं हमारा 129 से 130 वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब हमारा अंदर की पीसीबी है वो सही है दोस्तों, इतना ही वोल्टेज आना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ 9 वोल्ट का बल्ब है दोस्तों। तो हमारी प्रॉब्लम दोस्तों इसमें उस एलईडी बल्ब लगे उसमें से ही दोस्तों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोस्तों ये एलईडी बल्ब सीरीज़ में लगे होते हैं, इसलिए कोई भी अगर एलईडी बल्ब फॉल्ट होता है दोस्तों तो वो ग्लो नहीं होता है दोस्तों, तो पूरी बल्ब हमारा ख़राब हो जाता है। तो मैं जल्दी से सिमटी की सहायता से दोनों साइड से मैं इसको पकड़ूंगा। तो आप देख सकते हैं मुझे इसमें दो थोड़ी प्रॉब्लम लगी थी क्योंकि ऊपर से थोड़ा ब्लैक हो रखा था, तो मैंने इसको आपस में टच किया और हमारा बल्ब ग्लो होने लगा। तो अभी दोस्तों आपको करना ये है कि इस बल्ब को आपको हटा कर दोस्तों पूरा ही सोल्डर कर देना है। अगर आपके पास नया एलईडी बल्ब है तो उसको भी लगा सकते हो दोस्तों। आप में नया एलईडी बल्ब कैसे लगाते हैं दोस्तों, इसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा दोस्तों। आपको सोल्डर लेना है और अगर आप चाहे तो इसको पेचकस की सहायता से दोस्तों इसको पहले उखाड़ दे फिर उसके ऊपर सोल्डर भर दे। तो मैं जल्दी से यह भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं पहले सप्लाई से निकाल देता हूँ दोस्तों, ताकि काम करने में आसानी हो।
तो मैं जल्दी से सोल्डर भी इसके ऊपर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बल्ब को हटाकर इसके ऊपर सोल्डर कर दिया दोस्तों, और मैं जल्दी से इसको सप्लाई में भी डाल दूंगा कि हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए दोस्तों चेक करते हैं। तो मैं जल्दी से होल्डर में लगाकर इसको सीरीज की सहायता से चेक करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको भी सप्लाई देते हैं। तो मैंने सीरीज में डाला दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैंने स्विच ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन किया दोस्तों हमारा बल्ब ग्लो होने लगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कस्टमर ने मुझे बताया कि मेरे ये एक महीने से बल्ब घर में ही पड़ा था। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही रिपेयर करके दोस्तों आप अपना रेगुलर बल्बों का खर्चा बचा सकते हैं, और पार्ट टाइम जॉब भी दोस्तों रिपेयरिंग की आप कर सकते हैं। देख मैं इसके ऊपर भी ग्लास भी लगा कर आपको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा एकदम अच्छे से चल रहा है बल्ब। तो जल्दी से इसको बाजू में रखते हैं और लेते हैं दूसरा बल्ब। तो आप देख सकते हैं ये भी दोस्ती है सीमा कंपनी का हमारा LED बल्ब है। ये भी दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने सीरीज में लगाया और इसको ऑन किया तो ये ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों। इसका मतलब हमारे बल्ब के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं जल्दी से सीरीज में से निकाल कर दोस्तों, आपको सीरीज में नहीं निकालना है, सबसे पहले आपको मल्टीमीटर से चेक करना है कि इसमें कितना आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। तो मैं 200 वोल्टेज पर कर देता हूँ फिर से मल्टीमीटर को, और आपको मैं चेक करके बताता हूँ कि इसमें से कितना सप्लाई आ रहा है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं एक या दो ही वोल्टेज हमारा बाहर आ रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर PCB है वो ख़राब है दोस्तों। तो मैं जल्दी से ऊपर के गम लगाओ तो इसको खोल कर दोस्तों मैं PCB को बाहर निकाल दिया हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस PCB को बाहर निकाल दिया और आगे जो हमारे वायर थे उसको कट कर दिया दोस्तों। तो मेरे पास एक ऐसी ये देखिए DUB आती है दोस्तों, ये डायरेक्ट 220 वोल्ट से चलती है दोस्तों। इसमें PCB की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप डायरेक्ट इसमें 220 सप्लाई देंगे तो दोस्तों ये ग्लो होगी तो ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें IC लगी होती दोस्तों। आपको PCB की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट DUB लगा सकते हो। तो आप देख सकते हैं मैंने DUB दोस्तों मैं लगा देता हूँ और आपको मैं चेक करके भी बता दूंगा कि आपको। तो जल्दी से मैं इसमें लगा देता हूँ और इस गम की सहायता से दोस्तों मैं इसको फिट भी कर दिया हूँ दोस्तों। आप फेविक्विक लगा सकते हैं ताकि ये हिले डुले नहीं तो हमारा जो अच्छे से लग जाए। तो मैं जल्दी से इसको भी चेक करके आपको बता देता हूँ। तो मैंने सीरीज में डाल दिया दोस्तों और इसका स्विच ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया तो हमारा बल्ब ग्लो होगा दोस्तों। मैं स्विच ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी DUB डायरेक्ट 220 वोल्ट से चलने वाली दोस्तों। ये आपको दोस्तों मार्केट से 10 रुपये की 5 DUB आएगी दोस्तों। आप किसी बल्ब की अगर PCB ख़राब हो तो आप डायरेक्ट DUB लगा सकते हैं दोस्तों। ये 10 रुपये की 5 DUB आती है और LED बल्ब एक 120-150 रुपये का आता है। तो आप रेगुलर अपना खर्चा बचा सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, लाइक करो।